आप देख रहे हैं जी इनका फेस, इनके फेस पे कितनी एक्नी है, सेंसिटिव स्किन है और स्किन का कलर बिल्कुल डल हुआ है, ऑयली स्किन है। तो मैं करने लगी हूँ ब्लीच। ब्लीच का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूँगी और इस वक्त मैं आपको ब्लीच नहीं बता रही, आप सिर्फ ये देखें कि मैंने ब्लीच कितनी ली है। हाफ चम्मच मैंने ली है जी ब्लीच, ब्लीच पाउडर जो इसके साथ होता है वो मैंने ली है, जो पाउडर फॉर्म में होता है वो हाफ टी स्पून है। और इसके साथ अब मैं डेवलपर ले रही हूँ, ये उससे मैंने डबल लिया है, वो हाफ था तो ये मैंने एक पूरा भर के चम्मच इतना मैंने लिया है। इसके अंदर मैं कुछ भी मिक्स नहीं करने लगी मज़ीद, सिर्फ मैं इसके अंदर, ये मैं स्किन पॉलिश नहीं बना रही, ये मैं सिर्फ बना रही हूँ फेस के लिए ब्लीच। और इसके अंदर अब मैंने सिर्फ थोड़ा सा सूदिंग लोशन ऐड किया है। इसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करने के लिए कि आप देखें कि एकदम से कितना कलर फेयर हुआ है, और सेंसिटिव स्किन थी, कोई भी रैश नहीं आया और स्किन पे कोई जलन नहीं हुई, कोई कहीं पे रेडनेस नहीं आई। सबसे पहले फेस को मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। इसी तरह से आप भी करें और ये घर में करें, पार्लर भी मत जाएं, तो ये ख़ुद आप अपना एक ऐसा अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा कि मज़ीद आप इसका रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएंगे, मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इसी तरह से फेस पे मैंने नोज़ पे सबसे पहले इसलिए लगाई है क्योंकि सेंसिटिव एरिया चीक्स और नोज़ होते हैं। मैं आपके सामने साफ़ करूँगी और आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि इनके फेस पे किसी किस्म की कोई एलर्जी हुई है। बहुत अच्छी ब्लीच है जी ये, और मेरे पार्लर पे हो रही है, मेरे क्लाइंट्स आके मुझसे करवा सकते हैं। हैंड पे भी मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी और फेस पे भी। मैंने बाजू पे ये लगा दी है और इसका भी रिज़ल्ट शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल। और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेकर आती हूँ, कमेंट्स ज़रूर किया करें, मुझे आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। अप्लाई करनी है ये 15-20 मिनट और इसके बाद इसको साफ़ कर लेना है। आपके सामने अब मैं साफ़ कर रही हूँ, स्पंज लेके गीला मैंने किया है और उसके बाद मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। मैंने बार बार अपने क्लाइंट से भी पूछा कि उनको कहीं पे कोई जलन वगैरह तो नहीं हो रही, उन्होंने कहा कि नहीं। और मैंने ये भी नहीं कि पहले मैंने चीक से साफ़ कर दियो, इसके साथ ही सारे फेस से मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसे 12 से 15 मिनट के लिए अप्लाई किया था। और आप साथ साथ देखें कि इसका रिज़ल्ट कितना बेहतरीन आया है। बहुत अच्छी ब्लीच है। अब ब्लीच आप जब भी लगाएं उसके पाउडर की क्वांटिटी जो है वो कम रखें और डेवलपर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रखें। सूदिंग लोशन भी ऐड कर लें तो बहुत अच्छा है। देखें बिल्कुल स्किन आपके सामने है, कहीं पर रेडनेस नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं, टीनेज लड़कियां भी कर सकती हैं। और ये मैंने यूज़ की थी जी यहाँ पर मून टच वालों की ज़ाफ़रानी ब्लीच। देखें इसका कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया, ऐसे लग रहा है कि जैसे एक मुकम्मल फेशियल है। बाजू भी आपके सामने साफ़ करूँगी। मैंने उनसे कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाई थी तो ये भी मैंने मंगवाई, और इसके साथ साथ मुझे उनका एक गिफ्ट भी आया था, टेंट आया था। ये जी मैंने अपने पैसे दे के तो मैंने अपनी चीज़ें मंगवाई थी, लेकिन अच्छी चीज़ मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ये यूज़ करें। बहुत अच्छी ब्लीच है, स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए, एक्नी वाली स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। बिल्कुल इसका कोई नुकसान नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखें और कमेंट्स ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।